नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक व्यास और हम यहाँ COP28 दुबई में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बड़ा सम्मेलन हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, हम वहाँ से आपसे बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ फिर से एक बार अजय झा जी हैं। अजय झा जी के बारे में मैंने आपसे जैसे बताया कि आप पैरवी दिल्ली के एक संस्था वहाँ के डायरेक्टर हैं और उसके अलावा एक बड़ा नेटवर्क जो बना हुआ है साउथ एशिया रीजनल लेवल पे, उसके आप को चेयर करते हैं। पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी कि जलवायु परिवर्तन के इस सम्मेलन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या दो महत्वपूर्ण ऐसे पक्ष हैं, भारत क्या तैयारी कर रहा है। भारत 2028 में सुनने में आ रहा है कि मोदी जी ने घोषणा भी की यहाँ पे कि COP33 जो है वो भारत में आयोजित होगा। थोड़ा सा हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी, बहुत सारे आमजन ऐसे हैं कि आमजन इस कॉप से COP से कनेक्ट नहीं हो पाता है कई बार, तो थोड़ा उनकी ये समझ बनाएं कि COP क्या है, कॉप क्या है, उसके पीछे की का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे की सोच क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या वो सोच रही कि इस जलवायु परिवर्तन का बड़ा सम्मेलन आयोजित हो, थोड़ा कॉप के बारे में बताएं। देखिए, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और आप जैसा जानते हैं 1993 से ये अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई थी ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके और देशों को उत्साहित किया जा सके कि वो अपनी पॉलिसीज में ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे उत्सर्जन कम हो। और शुरुआत में ये ख़ास तौर से जिम्मेदारी उत्सर्जन कम करने की जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उन पे ही डाली गई थी। और शुरुआत में तो ये एक स्वैच्छिक प्रयास था, लेकिन 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल तय किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये जिम्मेदारी जो है हाई इनकम कंट्रीज, जिनको कि NX2 कंट्रीज कहते हैं, उन पे डाली गई। तो तब से ये प्रयास जारी है, हर एक साल एक बैठक होती है। 2019 में नहीं हुई क्योंकि ये महामारी के चलते, लेकिन हर एक साल एक बैठक होती है। इसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। और आप पेरिस अग्रीमेंट भी आप लोग जानते होंगे, तो पेरिस अग्रीमेंट जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात मैंने की उसके फॉलोअप के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, 2009 में ही नई संधि होनी थी लेकिन कोपेनहेगन में कॉन्फ्रेंस एक फेलियर रहा तो नई संधि नहीं हो पाई थी और फिर 6 साल लगे, 2015 में ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ। तो पेरिस अग्रीमेंट का उद्देश्य है कि सारे देश मिलकर इस तरफ प्रयास करें कि इस सदी के अंत तक तापमान जो है 2 डिग्री से कम रखा जाए या 1.5 डिग्री से कम रखा जाए। जी जी, तो ये उद्देश्य है जी। तो दोस्तों, जैसा अजय जी ने बताया कि कॉप के पीछे की भावना ये है कि कार्बन का उत्सर्जन जो बढ़ रहा है दुनिया भर में, और कार्बन के उत्सर्जन के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, उस तापमान को हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक कैसे लेकर के आए, ये पूरी सोच पूरी कवायद उसके पीछे दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के यहाँ से प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ शामिल होते हैं और नीतियाँ तय करते हैं किस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। तो मोटी कहानी यह है कि कार्बन उत्सर्जन जो बढ़ रहा है लगातार, कुछ गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, कुछ गैसेज हैं मीथेन हैं, उनमें कुछ और भी नाइट्रस ऑक्साइड है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि पृथ्वी में सघन रूप से बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दशकों से, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। और तापमान के बढ़ने की वजह से जो कुछ आपदाएँ, जो कुछ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ हम देख पा रहे हैं दुनिया भर में, वो दिखाई पड़ रही है, उसी का समाधान ढूंढने के लिए बड़ा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अजय जी, एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये बात ठीक है कि वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा मजमा, बड़ा मेला यहाँ लगता है, अलग अलग हम लोग देखते हैं, अलग अलग साइड इवेंट्स होते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, बहुत से लोग आते हैं, कुछ बाहर भी प्रदर्शन होते हैं, कुछ एक्टिविस्ट लोग अपने प्रदर्शन करते हैं अपनी बात पहुँचाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ज़मीन पर जो लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उनके जीवन पे जो असर पड़ रहा है, एक तो असर वो, दूसरी तरफ यहाँ जो कुछ होता है उसके बीच में क्या आप संबंध देखते हैं, क्या यहाँ पर नीतिगत फैसले नीचे तक लागू हो पाते हैं, उनके जीवन पे क्या संभावनाएं आप देख पाते हैं कि हाँ उनसे कुछ असर होगा, उनके जीवन में कुछ बदलाव होगा। बड़े मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो,
क्या सोचते हैं? देखिए, एक विडंबना है कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सब प्लैनेट को और पीपल या लोगों को लेके होता है, मतलब बातचीत के मध्य में एक तरह से कहें कि ये मुखौटा जो होता है वो लोगों का होता है, लेकिन यहाँ मेन रूप से एक लड़ाई है अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बड़े देश जो हैं, जो खास करके फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर देश हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरह से देखें आप कि बड़ी शक्ति जो है धन और कैपेसिटी टेक्नोलॉजी के भी सेंस में आप हम कहें तो बड़े देशों के पास है, बड़े देशों का मतलब धनी देशों के पास है, और चूंकि संसाधन उनके पास है तो ज़्यादातर एक तरह से समझा जाए कि बड़े देशों की बात ही यहाँ पे चलती है, छोटे देशों की बात कम चलती है। हालांकि एक तरह से ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की हर एक देश को एक वोट रहता है, लेकिन ज़्यादातर बड़े देशों की ही बात चलती है और छोटे जो द्वितीय देश हैं या विकासशील देश हैं वो भी इस बात को लेके एक अपेक्षा है उनकी कि हमको इनसे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हमको इनसे धन मिल जाएगा, उस अपेक्षा में ये भी राजी हो जाते हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं आया है। 2009 का जो वायदा है $100 बिलियन विकासशील देशों का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। एक ही चीज़ अभी तक 28 साल के नेगोशिएशंस में हुई है कि हम सिर्फ ये टारगेट तय कर पाए हैं कि हमारी कोशिश, सारे देश मिलके ये कोशिश करेंगे कि तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री से ऊपर न जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके अलावा अभी जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी वो सारी लड़ाई बाकी है, इसको कैसे किया जाए, इसको कब किया जाए, इसको कौन करेगा, इसमें जो विकसित देश हैं, धनी देश हैं उनका क्या रोल होगा, इसमें जो विकासशील देश होगा उनका क्या रोल होगा। हालांकि अब जो है वो सभी देशों पे एक तरह से बराबर से दबाव डाला जा रहा है कि आप भी काम करो, जबकि आप लोग जानते होंगे कि विकासशील देशों का इसमें बहुत ही नॉमिनल रोल है इस समस्या के को लाने में, लेकिन उन पे भी उन पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप भी प्रयास करो ताकि उत्सर्जन कम हो। जी जी अजय जी, और मुझे लगता है कि शायद ये सवाल जो है ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सवाल भी बना हुआ है कि बहुत से जो विकासशील देश, उनका मानना है कि अभी तक जो कुछ भी कार्बन उत्सर्जन हुआ वो विकसित राष्ट्रों की उसमें बड़ी भूमिका रही, विकसित राष्ट्रों ने अपनी उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुरूप उनको जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि विकासशील भारत जैसे ऐसे बहुत से राष्ट्र जो कि अब विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये दबाव उन पे बनाए जाने का प्रयास एक प्रकार से असमानता का सवाल, बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं, उन पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बेसिक एक आधारभूत समझ हमारी बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी हिंदी भाषी साथी हैं उनको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप ज़रूर हमें अपना फीडबैक भी दें कि कैसा आपको वीडियो लगा, हम इस तरह के और वीडियो आपके सामने करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।